दिल्ली कैपिटल्स पर जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है। गुजरात के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। अपने सभी 11 T20 मैच में खेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 17 अंक हासिल किए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के प्लेऑफ में पहुंचने का तोहफा दे दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम लीग मैच में 77 रनों से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के 223 रनों के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 146 रन ही बना पाई। ये मैच भले ही दिल्ली में था लेकिन स्टेडियम में धोनी की धूम थी। अपने प्रिय क्रिकेटर को समर्थन देने के लिए स्टेडियम 7 नंबर की पीली रंग की जर्सियों में रंगाया। महेंद्र सिंह धोनी ने भी फैंस को निराश नहीं किया। वह पहली बार इस सत्र में 4 नंबर पर खेलने के लिए उतरे। महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने आए तो इस सत्र में स्टेडियम में ऐसा शोर सुनने को नहीं मिला कभी। हालांकि उनके हिस्से में 4 गेंद आई और 5 रन ही बनाकर नाबाद लौटे। नए सुपर किंग्स की जीत की सूत्रधार उनके डेविड कॉनवे 87 रन और ऋतुराज गायकवाड 79 रन के बीच 87 गेंदों में 144 रनों की जबरदस्त साझेदारी रही। 14 ओवर तक दोनों ने टीम का स्कोर बिना नुकसान के 140 तक पहुंचा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात की जाए तो 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पृथ्वी शॉ 5 रन दूसरे ही ओवर की पहले ही गेंद पर रायडू के शानदार कैच पर आउट हो गए।